नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मेदांता, लखनऊ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 16 मई एक सीलिएक अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है, तो आज हम बात करेंगे सीलिएक डिजीज के बारे में। सीलिएक डिजीज क्या होता है? सीलिएक डिजीज बेसिकली एक इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसमें हम ग्लूटेन एक्सपोजर के बाद बार बार अगर हम किसी को ग्लूटेन से एक्सपोज करते हैं। अब बात आती है कि ग्लूटेन क्या होता है। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे गेहूं, जौ और राई में पाया जाता है। तो ये हमारे खाने का बहुत प्रमुख साधन है, जो कि नॉर्थ इंडिया में बहुत कॉमन हमारा डाइट होता है। इसमें जो प्रभावित बच्चे होते हैं, करीब 2 से 3% पॉपुलेशन में बच्चे प्रभावित होते हैं। सो इसके मुख्य लक्षण होते हैं क्रॉनिक डायरिया, ग्रोथ का रुक जाना, एनीमिया होना, विटामिन डी की डिफिशेंसी होना, पेट में दर्द होना, ब्लोटिंग होना और विटामिन एंड मिनरल की डिफिशेंसी हो जाना। इस लक्षण के साथ साथ हम जो आगे जांचें करते हैं तो उससे क्लियर होता है। अगर पेरेंट्स इस प्रॉब्लम के साथ आते हैं तो हम एक ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, विटामिन डी का लेवल चेक करते हैं और एक स्पेसिफिक मार्कर होता है जिसमें सीलिएक डिजीज़ के लिए हम करते हैं, जिसका नाम होता है TTG IgA। अगर ये हाई होता है तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि सीलिएक की संभावना हो सकती है। उसको कंफर्म करने के लिए हम इंडोस्कोपी करके एक ड्यूओडेनम से बायोप्सी लेते हैं। अगर उसमें हमें चेंजेज मिलते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये बीमारी सीलिएक डिजीज है। इसमें क्या होता है, हमारी जो आंतों की जो लेयर होती है, एपिथीलियम लाइनिंग होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उससे क्या होता है, हमारे खाने की चीज़ें जो होती हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, तो बच्चे में सिम्टम आने लगते हैं। तो इसके उपचार के लिए बेसिकली हम लोग करते हैं कि एक प्लान्ड वे में हम डाइट चार्ट बना के देते हैं, जिसमें ग्लूटेन फ्री डाइट हमारी होती है। तो एक प्रॉपर डाइट चार्ट देते हैं और बाकी हम सप्लीमेंट्स स्टार्ट करते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स जैसे आयरन, विटामिन डी, मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑलरेडी डिफिशियंट होते हैं, तो इनकी कमी पूरी करने के लिए हमें अलग से देना होता है। इसके उपचार में मेन रूप से डाइट और सप्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है।